हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार हेल्थ जंक्शन यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और लाभदायक साबित हो सकता है जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं और उनको यह पता नहीं चलता कि दुख से मुक्ति कैसे पाए और दुख को कैसे दूर करें। आज हम आपको दुख दूर करने के लिए कुछ ज़बरदस्त उपाय और तरीके बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप आसानी से किसी भी प्रकार का दुख दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे टोटके बताने वाले हैं जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि यदि आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप अपने दुख से लड़कर खुश रह सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमको पता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रकार का दुख होता ही है। दोस्तों, जीवन में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके लाइफ में कभी कोई परेशानी या दुख की स्थिति नहीं आई, ऐसा हो ही नहीं हो सकता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, मैं क्या करूँ और मैं कैसे उससे मुक्ति पाऊँ, कैसे उसको दूर करूँ। वो लोग कहीं ना कहीं मन में ही यह सोच लेते हैं कि उनके जीवन में ही केवल दुख है, वही दुनिया के सबसे दुखी इंसान है। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि आप चाहे दुनिया में किसी भी इंसान को पूछ लीजिए कि उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा दुख होता ही है जिससे वह छुटकारा पाना चाहते हैं और वह सोचता है कि केवल मेरे ही जीवन में इतना ज़्यादा दुख और परेशानी क्यों लिखी है। दोस्तों, जीवन में दुख और सुख का एक अनमोल बंधन होता है जिससे कोई भी नहीं बच पाया है। लेकिन यदि हम अपने मन में यह सोचकर बैठ जाएंगे कि दुनिया में केवल हमको ही सबसे ज़्यादा दुख है तो यह बात गलत होगी। हर एक के जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख होता है और वह व्यक्ति उस दुख को दूर करने के लिए या उससे मुक्ति पाने के लिए हर तरह के उपाय और तरीके की तलाश में हमेशा रहते हैं। वह लोग सोचते हैं कि कैसे करके हमारा यह दुख दूर हो जाए और हम बहुत ज़्यादा सुखी रह पाएंगे। लेकिन आप लोगों को एक बात हम बता देना चाहते हैं कि जीवन में सुख दुख का खेल लगा ही रहता है। एक दुख चले जाएगा तो शायद हो सकता है कि आपके सामने और कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, जीवन में हमको दुख और सुख दोनों को साथ लेकर ही चलना पड़ता है। जब आपके जीवन में खुशी आती है तब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को नसीब वाले समझते हैं, लेकिन जैसे ही आपके जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाता है तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बदनसीब समझने लगते हैं। अभी तो यह केवल आपकी सोच है और आपकी मदद करने के लिए आज हम आपके सामने कुछ ऐसे ज़बरदस्त उपाय शेयर करने वाले हैं जिसकी मदद से कहीं ना कहीं आपको अपने दुख को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम समझते हैं कि आजकल यह वीडियो देखकर आपको कहीं ना कहीं दिल में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और इसलिए हम आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। नंबर एक, अपने परिवार वालों के साथ बातें करें। दोस्तों, अपने दुख को दूर करने का यह भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है। जब आप अपने मन की बात अपने मन में ही रखते हैं तो उस बात से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन जब आप अपने मन की बात अपने घर परिवार वालों के साथ, अपने माता पिताओं के साथ शेयर करते हैं तब आपका मन हल्का हो जाता है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है तो आप अपने माता पिता के साथ या अपने करीबी दोस्तों के साथ दिल की बात ज़रूर शेयर करें।
और हमें पूरा भरोसा है कि आपके माता पिता और आपके घर परिवार वाले आपकी ज़रूर मदद करेंगे और आपको कोई न कोई सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, घर परिवार वाले हमेशा आपके साथ रहते हैं, फिर चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो हमेशा आपके साथ ही रहते हैं और आपको खुश देखना चाहते हैं। इसलिए यदि आपको कोई बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तो आप अपने घर परिवार वालों से बिल्कुल भी ना छुपाइए और उनके साथ अपने दिल की बात ज़रूर शेयर करें। हमें पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपका मन भी बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। नंबर दो, अच्छे दोस्तों के साथ रहना शुरू करें। दोस्तों, यह बात तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जैसा आपका फ्रेंड सर्कल होता है, वैसे ही आप भी बन जाते हैं। इसलिए बचपन में आपके माता पिता आपसे कहते होंगे कि बुरे लोगों के साथ मत रहो, क्योंकि यदि आप बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आप पर भी उनका बुरा असर पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से यदि आप अच्छे दोस्तों और पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों के साथ रहोगे तो आप पर भी उसका अच्छा असर ज़रूर पड़ेगा और इसकी मदद से आप आसानी से अपने दुख से दूर हो जाओगे। कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। यदि आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि जहाँ पर हमेशा लोग अपनी प्रॉब्लम को लेकर परेशान रहते हैं, तो आपको तुरंत ही फ्रेंड सर्कल को छोड़ देना चाहिए और ऐसे फ्रेंड सर्कल बनाने चाहिए जहाँ पर हमेशा सब लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं और हमेशा जो लोग अपने जीवन को खुश रहकर जीने की सोच रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको रहना चाहिए। नंबर तीन, पॉजिटिव सोच रखें। दोस्तों, यदि आपको अपने दुख से लड़ना पड़ता है और अपने दुख को दूर करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा और आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखने की आदत डालनी होगी। यह काम थोड़ा सा शुरुआत में मुश्किल लगने लगता है, लेकिन जैसे आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते रहते हैं, तो आपको धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है और उसके बाद आपकी सोच हमेशा बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहेगी, जो कि आपको दुखी होने से बहुत ज़्यादा बचाएगी। दोस्तों, पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज़्यादा आपके जीवन के लिए लाभदायक होता है और फायदेमंद भी साबित होता है, क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ आएगी, उस समय पर आपको बहुत ज़्यादा दुख महसूस होगा, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक होती है तो आप उससे लड़ने की क्षमता रख सकते हैं और आप अपने आप को दुखी होने से रोक पा सकते हैं। नंबर चार, अच्छा डाइट प्लान फॉलो करें। दोस्तों, कभी कभी हम छोटी से छोटी बातों को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से यदि आपको हमेशा उदासी और दुख की प्रॉब्लम है, तो आपको अपने खाने पीने में बदलाव लाना जरूरी है। जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा तेल में तला हुआ खाना खाते हैं, तो उन लोगों का मूड हमेशा चिड़चिड़ा रहता है और थोड़ी थोड़ी सी बात पर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वैसे ही जो लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, उनका मन हमेशा विचलित रहता है। यही वजह से हम आपको कहेंगे कि आप अपने डाइट प्लान में थोड़ा सा बदलाव करें। हो सके तो अपने खाने में प्रोटीन का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रोटीन से आपका शरीर हेल्दी रहता है, जिसकी वजह से आपका मूड भी अच्छा रहेगा। और हो सके तो ज़्यादा मसाले वाला खाना और तेल में बना हुआ खाना बिल्कुल भी ना खाएं। नंबर पाँच, दिन में एक बार एक्सरसाइज करें। दोस्तों, दुख से मुक्ति पाने के लिए यह भी एक बहुत ज़बरदस्त टोटका और उपाय है, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं और अपने दुख को दूर कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप हर रोज़ आधा घंटा या एक घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे आपकी टेंशन में कमी आ जाएगी और आपकी सेहत बनी रहेगी। आप हमेशा तरोताज़ा महसूस करेंगे। जिन लोगों को डिप्रेशन या उदास रहने की प्रॉब्लम होती थी, जब उन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू किया, तब उनको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस हुआ।
उनका मूड हमेशा अच्छा रहता था और मन हमेशा हल्का महसूस होता था, क्योंकि जब आप कसरत करते हैं आपका पसीना निकलता है, आपके शरीर में खून का प्रवाह बहुत अच्छी तरीके से होता है, जो कि आपको तरह तरह की बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है कि आप जिम में जाकर कसरत करें, तो आप घर पर भी सूर्य नमस्कार और डिप्स मार सकते हैं, इसे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, एक्सरसाइज करना एक बहुत ही अच्छी आदत है। यह केवल आपके शरीर को ही अच्छा नहीं बनाएगा, बल्कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा और उसमें आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी और उसी के साथ आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाती है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप एक्सरसाइज करना आज से ही शुरू कर दीजिए और आपको एक या दो हफ्ते में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। नंबर 6, नशा मुक्त हो जाए। यही एक बहुत ज़बरदस्त टोटका है जिसकी मदद से आप आसानी से अपने दुख को दूर कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, जैसे कि शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, उन लोगों को दुख की प्रॉब्लम और डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप किसी भी प्रकार का नशा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपके दिमाग पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही साथ आपकी सेहत भी खराब होती है। नंबर 7, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करना भी एक बहुत अच्छा उपाय है अपने दुख से लड़ने के लिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं, यानी कि ध्यान लगाते हैं, उस समय पर आपका माइंड पूरी तरीके से शांत हो जाता है, जिसकी वजह से आपके टेंशन या तनाव दूर हो जाता है। मेडिटेशन करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और आपके शरीर को रिलैक्स फील होता है। और हम आपसे कहेंगे कि आप दिन में 10 या 20 मिनट रोजाना मेडिटेशन करें, या इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। धीरे धीरे जब आपको लगेगा कि मेडिटेशन करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तब आप अपना मेडिटेशन करने का समय बढ़ा सकते हैं। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें, जब आप मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं, उस समय पर आपको ऐसे स्थान की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो। इसलिए आप शांत जगह पर मेडिटेशन करें, इससे आपका दुख दूर होने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। नंबर 8, दुख दूर करने का तरीका। दोस्तों, यदि आप दुख दूर करने का कोई तरीका जानना चाहते हैं, तो हम आपको कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसको सुनकर आप अपने दुख को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। आपको हमारे बताए गए उपाय और तरीकों को फॉलो करना है और हमें पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि हमारे पास आइए और हम आपको ऐसे तरीके देंगे जिसकी मदद से आपके जीवन का सब दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, तो आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल आपका पैसा खर्च करवाना होता है और कुछ भी नहीं। अगर दुनिया में कोई ऐसा दुख दूर करने का तरीका होता है, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता। एक तरीका सुनते ही हर किसी का दुख दूर हो जाता। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि दुख दूर करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है। आपको केवल अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाना है और थोड़ा सा बदलाव करना है, और उसकी वजह से आप दुख से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें, आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह के जानकारी के साथ। तब तक के लिए सेहतमंद रहे। बाय बाय, टेक केयर।